खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 7 नवंबर 2022 है। मत्ती की इंजील की आयत बाय तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे 13वां बाब उसकी 31वीं और 32वीं आयत। और यहाँ पर यूँ लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमीन। इस तमसील का मकसद ये है कि अंजील यानी खुशखबरी का शुरू तो मामूली और छोटा होगा मगर उसका अंजाम बहुत बड़ा होगा। आमतौर पर इसका आगाज कमजोर और छोटा होता है, राई के दाने की माने जो सब बीजों में से छोटा है। बहुत सी जगहों में खुशखबरी के नूर का फूटना ये जैसे सुबह रोशनी फैलती है ये उस तरह होता है, बिल्कुल थोड़ा सा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है, ये तरक्की करता है। राई का दाना छोटा तो होता है मगर अपने अंदर उगने और बढ़ने की सलाहियत और रुझान रखता है। इसी तरह जब खुशखबरी हमें सुनाई जाती है तो खुशखबरी ये तरक्की करती है, खुशखबरी हमारे अंदर बढ़ती है, हमारी जो अच्छी आदत है वो और पुख्ता होती जाती है, हमारे अमाल में सरगर्मी आ जाती है, हमारा इल्म वाज़े हो जाता है, हमारा ईमान मजबूत हो जाता है और मोहब्बत सरगर्म हो जाती है। यह इस बीज का बढ़ना और आखिरकार ये बहुत मजबूत और कारामत बन जाएगा। बढ़ते बढ़ते ये दरख्त हो जाता है और कलीसिया एक बड़े दरख्त की मानंद है जिसमें ईमानदार बसेरा करते हैं। खुदा के लोग खुराक और आराम के लिए, साया और पनाह के लिए इसके पास आते हैं। बाज़ खास अफराद में बढ़ने वाला फजल मजबूत होता है और बहुत सी बातों का सबब बनता है। इसलिए पुख्ता और बालिग मसीहियों को दूसरों के लिए फायदामंद बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए, जैसे राई का दाना दरख्त बन जाता है और फिर बड़ा हो जाता है तो परिंदे आकर उसमें बसेरा करते हैं। क्या आपकी जिंदगी दूसरों के लिए फायदामंद है? जरूर इस पर गौर कीजिएगा। आइए हम दुआ करें। अबाब, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज सुबह दुआ है कि ऐ खुदा हमारी ज़िंदगी को दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बना दे। ऐ खुदा हम दूसरों के काम आ सकें। आज का दिन हम तेरी फरमा बरदारी करें। गुनाह और बदी से हमारी हिफाजत कर। हमारी सोचों, ख्यालों, बातों और कामों पर, हमारे सुनने और देखने पर, हमारे बोलने पर ऐ खुदा तेरा कंट्रोल हो। जो बीमार हैं मैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करता हूँ। जो ईमान में कमज़ोर हैं खुदावंद उनके ईमान को बढ़ा। जो गुमराह और बरगश्ता हैं वो बहाल हो जाएं और ऐ खुदा तेरी बादशाही को और वसत मिलती चली जाए। मौसमी बीमारियों से, सर्दी की शिद्दत से, मौसम के बुरे असरात से हम सबों को महफूज रखना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।